मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। आखिर किस आधार पर मुनव्वर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत? क्या है सीआरपीसी की धारा 41 जिसके कारण मिली मुनव्वर फारूकी को रिहाई? रिहाई के बाद फिर क्यों बढ़ सकती है फारूकी की दिक्कतें? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। इस साल के शुरुआत से ही कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम खबरों का हिस्सा बना हुआ था। 1 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मुनव्वर को एक शो के लिए आमंत्रित किया गया था। नए साल के मौके पर इंदौर के कैफे मोनेरो में मुनव्वर फारूकी को एक कॉमेडी शो के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उनके शो के दौरान ही फारूकी और उनके 4 अन्य दोस्तों को भाजपा पार्टी की विधायक और पूर्व मेयर रही मालिनी गौंड के बेटे एकलव्य सिंह गौंड की शिकायत पर 1 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। एकलव्य की ओर से मुनव्वर पर आरोप लगाया गया था कि मुनव्वर फारूकी ने नववर्ष के मौके पर इंदौर में हुए एक कॉमेडी शो के दौरान, जहां एकलव्य भी मौजूद थे, उसमें हिंदू देवी देवताओं भगवान राम और देवी सीता तथा देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। एकलव्य की शिकायत के बाद मुनव्वर को तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए पहले जिला अदालत के एक मजिस्ट्रेट और उसके बाद एक सत्र न्यायाधीश द्वारा फारूकी की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद मुनव्वर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत की अपील की। हाई कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में मुनव्वर ने कहा था कि उनका किसी भी धार्मिक भावनाओं या आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि पुलिस की जांच और इस मामले के ट्रायल में काफी वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वही इस मामले पर प्रशासन की ओर से कहा गया था कि फारूकी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के कई मामले दूसरे अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं। फारूकी की हरकत से आम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 25 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर 28 जनवरी को फैसला देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने फारूकी और उसके एक दोस्त नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जहां मुनव्वर फारूकी की 2 याचिकाओं पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को उलटते हुए मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश में दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अलग से अर्जी दी थी। फारूकी का मामला जस्टिस BR गवई और रोहिंगटन नरिमन की अध्यक्षता वाली 2 बेंचों के सामने आया। इस मामले पर जजों ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इसके बाद याचिका में लिखी गई बातों को पढ़ते हुए जस्टिस नरिमन ने गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाए। दरअसल मुनव्वर फारूकी के वकील सौरभ कृपाल ने याचिका में कहा था कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के दौरान CRPC की धारा 41 का पालन नहीं किया गया। इस पर जस्टिस नरिमन ने कहा, फिर तो यह याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने का आधार बनता है। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि आखिर CRPC की धारा 41 के तहत प्रावधान क्या है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 41 के अनुसार पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन
बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति का जुर्म बहुत ही संगीन होना चाहिए। किसी मामूली से या छोटे मोटे मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, यदि वह व्यक्ति भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन कर चुका है या करने वाला है या करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस के लिए कुछ नियम और कानून है तथा गिरफ्तार व्यक्ति के पास भी कुछ अधिकार होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फारूकी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने कोई प्राथमिकी जांच नहीं की। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था तब भी उसे नहीं बताया गया कि उसे गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया में इसी कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिना राज्य सरकार का पक्ष सुने कल मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी। इतना ही नहीं, कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुनव्वर के वकील ने बताया कि उनके खिलाफ यूपी में भी एक एफआईआर दर्ज है और फारूकी को गिरफ्तार कर यूपी लाने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी तैयार कर लिया गया है। इस पर भी मुनव्वर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यूपी में दर्ज एफआईआर के प्रोडक्शन वारंट के अमल पर भी फिलहाल रोक लगा दी है और मध्य प्रदेश में मुनव्वर के खिलाफ दर्ज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से फिलहाल जवाब मांगा है। इस खबर पर हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।